आज का जो लेक्चर है हमारा उसका टॉपिक है स्किन इफेक्ट और प्रोक्सिमिटी इफेक्ट। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्रिएट होता है करंट कैरिंग कंडक्टर का, उससे इंडक्टेंस जनरेट होती है और करंट की जो डेंसिटी है वो चेंज हो सकती है जो कंडक्टर में जा रही है। तो जो इफेक्ट है उसको हम स्किन इफेक्ट बोलते हैं। और एक और इफेक्ट आता है प्रोक्सिमिटी इफेक्ट, जब एक कंडक्टर के साथ आसपास कोई और दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर भी हो तो उसकी वजह से भी जो करंट की जो डेंसिटी है सरफेस पे या कंडक्टर के अंदर वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, यूनिफॉर्म नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है। वो कैसा क्यों होता है अभी देखते हैं। पहले हम देखते हैं स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट जैसा कि नाम से पता लग रहा है, स्किन स्किन मतलब ऊपर की लेयर। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, मान ली ये कंडक्टर है, इसके अंदर मान लीजिए डीसी करंट फ्लो कर रहा है, हाई करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर करंट डीसी है तो यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा होगा इसमें पूरे कंडक्टर में। मतलब कि अगर इसको मैं क्रॉस सेक्शन देखूं ऐसे तो करंट इसमें पूरा यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा होगा। तो छोटा सा मतलब कि डेंसिटी क्या होगी इसका, मान लीजिए रेडियस क्या है आर, तो करंट डेंसिटी क्या होगी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो छोटा सा एरिया मान लो मैं लेता हूं जिसके जो रेडियस है एक्स है, तो सिर्फ इस एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसकी डेंसिटी इंटू पाई एक्स स्क्वायर। तो ये करंट फ्लो कर रहा होगा अगर यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है तो। पर जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, ये डीसी की बजाय एसी करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट करेंगे, मतलब कि फ्रीक्वेंसी उसकी कुछ आ जाएगी, तो ये जो करंट है वो यूनिफॉर्मली इस कंडक्टर में फ्लो नहीं करेगा। तब करंट कोशिश करेगा कि यहां अंदर के पास कम फ्लो करे और बाहर वाली जो लेयर्स हैं इसमें करंट ज्यादा फ्लो करे, मतलब स्किन पे ज्यादा फ्लो करे, इसलिए इसको हम स्किन इफेक्ट बोलते हैं। अब ये क्यों होता है इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये देखिए, मैंने इसमें एक कंडक्टर लिया है जिसका रेडियस क्या है, पूरे कंडक्टर का रेडियस है आर। अब मैंने इसको छोटे छोटे सर्कुलर कंसेंट्रिक रिंग्स में डिवाइड कर दिया है दिखाने के लिए कि मान लीजिए अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो वो ऐसे, अगर मैं कंडक्टर को छोटा छोटा डिवाइड कर दूं कंसेंट्रिक सर्कल्स में तो करंट इनमें फ्लो कर रहा होगा, कुछ करंट इस पार्ट में फ्लो कर रहा होगा, कुछ करंट इस वाले पार्ट में फ्लो कर रहा होगा। कुछ करंट इस वाले में फ्लो कर रहा होगा। और अगर मैं चाहूं तो ऐसे इन्फिनिट इसमें कंसेंट्रिक सर्कल्स बना सकता हूं दिखाने के लिए कि उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा और कुछ करंट लास्ट वाले पार्ट में फ्लो कर रहा होगा। और इस पूरा मिलके आई करंट बन रहा होगा। और मान लेते हैं ये एसी करंट है, तो मैंने जब इंटरनल फ्लक्स लिंकेज पढ़ाई थी तो मैंने एक लाइन लिखी थी, वो क्या थी, फ्लक्स इनसाइड ए कंडक्टर डज नॉट लिंक इट। मतलब क्या था कि मान लीजिए ये एक, मैं एक होलो कंडक्टर मान लेता हूं जिसमें सिर्फ ये बाहर वाला जो पार्ट है, बाहर वाला सर्कल है, बस यही है, इसी में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके जो होलो पार्ट में फ्लक्स होगा वो ये जो करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा उसके साथ लिंक नहीं करेगा, बल्कि इसके बाहर जो फ्लक्स होगा इस वाले एरिया में वो ही इस करंट के साथ लिंक करेगा। मतलब कि इस कंडक्टर के अंदर जो फ्लक्स होगा वो इस करंट के साथ लिंक नहीं करेगा। फ्लक्स इनसाइड ए कंडक्टर डज नॉट लिंक दैट कंडक्टर,
इसका मीनिंग ये हुआ। तो हम इसको स्किन इफेक्ट कैसे इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप ये देखिए कि ये जो कंडक्टर है बाहर वाला, इसके साथ सिर्फ ये वाला फ्लक्स जो बाहर के एरिया में है ये लिंक हो रहा होगा। अब मैं ये वाला कंडक्टर देखता हूं, एक लेयर नीचे वाला ये वाला कंडक्टर, इसके साथ ये फाइ वन मान लो ये फ्लक्स बाहर वाला है, ये अंदर वाले एरिया में फाइ टू फ्लक्स है, तो इस कंडक्टर के साथ टोटल करंट कितना, टोटल फ्लक्स कितना लिंक कर रहा होगा, फाइ वन प्लस फाइ टू। सिमिलरली मान लीजिए इसमें इस पोर्शन में फाइ थ्री था, तो इस वाले कंडक्टर के साथ कितना लिंक कर रहा होगा, फाइ वन प्लस फाइ टू प्लस फाइ थ्री। तो जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूं तो टोटल फ्लक्स लिंकेज क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। तो फ्लक्स लिंकेजेस बढ़ती जा रही है। हमने देखा था इंडक्टेंस क्या होता था, L इज इक्वल टू फ्लक्स लिंकेजेस अपॉन करंट लिंक। तो जैसे जैसे ये बढ़ती जा रही है तो इंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है, और इंडक्टेंस बढ़ती जाएगी तो करंट को जो फ्लो होगा उसको अपोजिशन ज्यादा होती जाएगी, तो करंट क्या करेगा, जहां मिनिमम उसको अपोजिशन मिले फ्लो होने में वहां जाने की कोशिश करेगा, इसलिए करंट अंदर वाले में कम फ्लो करने की कोशिश करेगा, बाहर की तरफ ज्यादा फ्लो करने की कोशिश करेगा। इसीलिए तो जो सरफेस पे जो लेयर है उसकी कंडक्टर की, उसमें करंट डेंसिटी क्या होगी, करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे उसको अपोजिशन कम मिल रही है, इंडक्टेंस कम है उस वाले लेयर की, और अंदर करंट डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि वहां अपोजिशन ज्यादा है। अब नॉन यूनिफॉर्मिटी की वजह से क्या होगा, क्योंकि पूरा सरफेस तो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा कंडक्टर का, और इसकी वजह से एरिया क्या हो गया, कम हो गया कंडक्टर का। तो मान लीजिए पूरे एरिया की रेजिस्टेंस कुछ आर होती, तो अब एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, एरिया कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, क्यों, रेजिस्टेंस क्या होती है, रो एल बाई ए, तो एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इसलिए स्किन इफेक्ट की वजह से ये जो नॉन यूनिफॉर्मिटी आ गई है, करंट बाहर की तरफ फ्लो करने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से इन इफेक्ट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है एसी में, एसी करंट के लिए, वो बढ़ जाती है। अब इसमें जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है वो एक्चुअल देखा जाए तो छोटे कंडक्टर जिनका डाया या रेडियस कम है उसके लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि मैथमेटिकली अगर मैं इसको डिराइव करूंगा और बड़े कंडक्टर्स को लूंगा तो करंट डेंसिटी ऑसिलेटरी नेचर की भी हो सकती है, मतलब कि किसी लेयर में थोड़ी ज्यादा होगी किसी लेयर में कम हो सकती है, ऐसे ऑसिलेट कर सकती है, और मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे तो उसमें हमें गामा फंक्शन वगैरह, बेसल फंक्शन और गामा फंक्शन यूज करने पड़ेंगे जो कि इस लेवल का नहीं है। तो समझने के लिए सिर्फ हम ये वाली लाइन से समझ सकते हैं कि स्किन इफेक्ट क्यों होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है। हम देखते हैं प्रोक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है। प्रोक्सिमिटी मतलब नजदीकियां, मतलब क्लोजनेस। तो अब मैंने दिखाया है कि दो कंडक्टर्स हैं जिसमें एक में करंट जा रहा है दूसरे में करंट रिटर्न हो रहा है, मतलब प्लस आई माइनस आई। अब दो कंडक्टर पास पास में करंट फ्लो कर रहे हैं उनमें, तो मैंने उनको ऐसे डिवाइड कर दिया कि मान लो कुछ करंट इस वाले पोर्शन से फ्लो कर रहा है, कुछ इससे फ्लो कर रहा है, कुछ इससे फ्लो कर रहा है। सिमिलरली इसमें मैंने उसको बांट दिया है ए डैश बी डैश सी डैश में। तो आप ये देखिए इसमें करंट अगर जा रहा है तो इससे वापस आ रहा होगा, तो एक ये लूप इससे बन जाएगा। सिमिलरली एक लूप ये वाला बी बी डैश बनाएगा, यू करके सी डैश भी एक लूप बनाएगा। तो आप ये देखिए ए ए डैश जो लूप है उसका एरिया कम है, तो फ्लक्स लिंकेज जो इसमें फाइव वन है वो कम होगा। अब फ्लक्स क्या होता है, फाइ इज इक्वल टू बी डॉट ए। अगर बी सेम भी है तो एरिया बड़ा होने की वजह से फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो फाइ वन फ्लक्स कम है, फाइ टू फ्लक्स इसमें ज्यादा है, पूरा एरिया इंक्लूड है इसमें, फाइ वन वाला एरिया भी इंक्लूड है और ये वाला भी इंक्लूड है। सिमिलरली ये बाहर वाला पोर्शन है उसमें और ज्यादा फ्लक्स होगा, तो जितना ज्यादा फ्लक्स उतनी ज्यादा इंडक्टेंस, तो मिनिमम इंडक्टेंस किसकी होगी, इस वाले पोर्शन की, फिर उसके बाद इसकी, फिर लास्ट में सबसे ज्यादा इंडक्टेंस इसकी। मतलब ये अगर मैं L1 मान लूं, ये वाली L2 मान लूं, इसकी वजह से ये L3, तो L3 will be greater than L2 will be greater than L1। तो करंट क्या कोशिश करेगा,
वो इस लेयर से ज्यादा फ्लो करने की कोशिश करेगा क्योंकि यहाँ इंडक्टेंस कम मिलेगी। तो यहाँ इस जो अंदरूनी पार्ट होंगे, जो फेसिंग पार्ट होंगे इन कंडक्टर्स के, वहां करंट डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द करंट डेंसिटी जो बाकी आउटर लेयर्स हैं। और सबसे ज्यादा कम, सबसे कम करंट डेंसिटी सबसे आउटर मोस्ट लेयर में होगी। तो प्रोक्सिमिटी इफेक्ट की वजह से भी क्या हुआ, हमारा करंट यूनिफॉर्मली फ्लो नहीं कर रहा कंडक्टर में, नॉन यूनिफॉर्म हो गया है, इसलिए मैं कंडक्टर का जो पूरा सरफेस एरिया है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा अच्छे से जितना मैं इसको अगर यूनिफॉर्मली उसमें फ्लो होता तो कर पाता। इसलिए प्रोक्सिमिटी इफेक्ट से भी जो एसी करंट के लिए रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो हमारे ये दो इफेक्ट आ गए, एसी में एक स्किन इफेक्ट, दूसरा प्रोक्सिमिटी इफेक्ट, दोनों से ही एसी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और मैंने जैसे पहले बताया था ये 2-4% इंक्रीज हो जाती है। मान लीजिए 100 ओम है डीसी में, तो ये 102 से 104 ओम हो जाएगी एसी करंट में 60 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज के आसपास। और ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो और ज्यादा इफेक्ट आएगा, तब ये मान ली 105-106 भी हो सकती है, जितनी जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। पर ये इफेक्ट जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं ये अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेट एक्सप्लेनेशन है। जैसे जैसे मैं इनको मैथमेटिकली ड्राइव करूंगा, तो जैसे मैंने स्किन इफेक्ट में बताया था कि कंडक्टर का डाया बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो स्किन इफेक्ट जो होगा वो एक्चुअली ऑसिलेट करेगा करंट डेंसिटी, उसमें कहीं किसी लेयर में ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा, किसी में कम होगी। तो ये नॉर्मल हमारे लेवल पे ये एक्सप्लेनेशन ही काफी है। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, बेल आइकन को पक्का प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने नई वीडियोस अपलोड कर दी हैं। और दूसरे, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या फिर कोई लेक्चर समझ नहीं आया है या फिर कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में डालें, वो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में उनको जरूर से कवर करें। थैंक यू।